इस साल भारतीय टीम के दो बड़े मिशन हैं, एक एशिया कप और दूसरा वर्ल्ड कप। लेकिन एशिया कप से पहले टीम इंडिया को दो बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि टीम इंडिया उम्मीद कर रही थी कि उनके दो मैच विनर की वापसी होगी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे ये पता चला है कि ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप में नहीं खेलेंगे, साथ ही साथ उनका वर्ल्ड कप में खेलना भी मुश्किल लग रहा है। दरअसल एशिया कप में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा माना जा रहा था कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर चोट से उभर चुके हैं और दोनों खिलाड़ी एशिया कप में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। केएल राहुल ने अपनी जांघ की सर्जरी करवाई थी और उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट की शिकायत भी थी, जिससे पूरी तरह से उभरने में ज्यादा वक्त लग सकता है। वहीं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने स्ट्रेस फ्रैक्चर से बचाव के लिए अपनी कमर की सर्जरी करवाई थी। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों की वापसी को लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा गया है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों का 50 ओवर के मैच के लिए फिट होना मौजूदा हालात को देखते हुए काफी मुश्किल लग रहा है, और वह भी श्रीलंका की गर्म परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। हालांकि बीसीसीआई की मेडिकल टीम का यह मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे। साथ ही साथ सूत्र ने कहा है कि श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो उन्होंने स्किल्स ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट 100% फिट श्रेयस अय्यर को मैदान पर उतारना चाहता है, जो कि काफी मुश्किल दिख रहा है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल और अय्यर की अनुपस्थिति का मतलब है कि अधिकांश खिलाड़ी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में थे, वही 6 टीम वाली इस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हालांकि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ गेंदबाजी में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।